हेलो स्टूडेंट। तो 10th क्लास का जो अपना लाइट वाला चैप्टर चल रहा था, जिसमें आपने परावर्तन की परिभाषाएं, परावर्तन का जो नियम है वो, और जो दर्पण थे उनके बारे में आपने डिटेल अच्छी तरह पढ़ ली है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, एक इम्पोर्टेंट आपको एक पॉइंट दिया हुआ है दर्पण के लिए। लेकिन यहाँ पर देखो, दर्पण कैसा है तो आपको क्वेश्चन में समझाया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि एक छोटे द्वारक का जो अवतल दर्पण है उसकी वक्रता त्रिज्या, इसे हम कैपिटल आर के चिन्ह से दिखाते हैं, उसका जो मान है वो फोकस दूरी एफ का क्या होता है, दुगना होता है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा समझने में हो सकता है आपकी थोड़ी प्रॉब्लम हो, क्योंकि 12th में ये बढ़िया डेरिवेशन है। तो पहले तो देखो, आप यहाँ देखिए कि जो डायग्राम बना हुआ है आपका, इस डायग्राम में देखिए, ये तो है वक्रता केंद्र, और ये जो वाला पॉइंट है इसे आप बोल रहे थे पी, या ओ किस ओ से डिनोट कर रहा है, तो ओ से मान लो ये है ध्रुव यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए वक्रता केंद्र से लेकर ध्रुव तक की जो दूरी होती है उसे तो आप बोलते हो कैपिटल आर वक्रता त्रिज्या। फोकस बिंदु से लेकर ध्रुव तक की जो दूरी होती है उसे हम बोलते हैं फोकस दूरी एफ। इन दोनों के बीच में आपको यहाँ पर रिलेशन देखना है। सबसे पहले देखिए, आपको डायग्राम से ही काम करना पड़ेगा। ये देखिए बेटा जी, मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण चल रही है, और ये यहाँ पर गोलीय दर्पण पर गिरती है। गिरने के बाद में ये मुख्य अक्ष के समान, यानी आप फोकस बिंदु से होती हुई ये गुजर गई। ठीक है, अब यहाँ ये वाली किरण ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ आपतित किरण, ये लिखा हुआ है यहाँ परावर्तित किरण। तो बीच में देखो, आपको एक लाइन और दिखाई दे रही होगी, मैं थोड़ा अलग कलर से आपको बता देता हूँ। तो बीच में ये देखिए, आपको एक अलग लाइन और दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये रेड वाली। ठीक है, इस लाइन को, यानी यहाँ पर ये जो लाइन है ये है यहाँ पर अभिलंब। क्या है यहाँ पर? अभिलंब। आपके माइंड में ये बात आएगी कि अभिलंब तो हम एकदम डायरेक्टली सीधा दिखाते हैं, ये यहाँ पर इस प्रकार से कैसे आ गया? तो यहाँ देखो, अभिलंब का मतलब होता है किसी भी सतह पर 90 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा। तो यहाँ पर जो गोलीय दर्पण है, तो इस जगह आप देखोगे तो 90 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा है, और अभिलंब हमेशा गोलीय दर्पण की जो मुख्य अक्ष है उसके जिस बिंदु को काटता है वो बिंदु आपका फिक्स होता है, कौन सा? वक्रता केंद्र। ठीक है, ये वक्रता केंद्र से ही गुजरेगा, या आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, क्योंकि जैसे आपने माना है कि दर्पण एक खोखले गोले का भाग है, ये मान लीजिए भी खोखला गोला है आपके सामने। अब देखिए, यहां पर अगर 90 डिग्री का कोण बनाती हुई कोई रेखा खींचोगे तो ये रेखा आएगी, ये वाली। यहां खींचोगे तो ये रेखा आएगी, ये वाली। तो देखो, दोनों ही स्थितियों में यहां पर देखो केंद्र से ही गुजर रही है ये, 90 डिग्री का कोण बनाती हुई कोई भी रेखा खींचोगे, चाहे कोई सी भी कंडीशन हो, यहां से मान लो, यहां से मान लो, ये हमेशा वक्रता केंद्र से गुजरेगी। तो आप देखो, सबसे पहले यहां बात करोगे इस कोण की, जो ये आपको आपतन कोण दिखाया हुआ है आई, इस कोण की बात कर रहे हो, तो आप इस तरीके से दिखाओगे कि कोण आर पी और सी, ये देखिए आर आ गया, ये P आ गया और ये C आ गया, तो इन दोनों रेखाओं के बीच में बनने वाला जो कोण है वो आपका है आपतन कोण I। ठीक है, फिर आप यहाँ लिखोगे, देखिए कोण F P और ये C दिखाई दे रहा होगा आपको, F ये P और ये C, इनके बीच में भी देखो एक कोण बन रहा है R। तो आप यहाँ दोबारा से लिखोगे कोण F P और C, ये आ जाएगा आपका परावर्तन कोण R। अब देखिए, आपने परावर्तन के लिए एक नियम शुरू में लिख लिया था, तो आप यहाँ पर देखो लिखोगे कि परावर्तन के नियम से, और परावर्तन के नियम से आप लिखोगे यहाँ पर कि कोण RPC का जो मान है वो कोण FPC के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि तो परावर्तन के नियम से आपने पढ़ लिया है कि आपतन कोण का जो मान है वो परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए यहां पर, तो दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वापस मैं आपको बता रहा हूं, देखिए कि यहां पर ये जो ग्रीन वाली लाइन आपको दिखाई दे रही है, दो समांतर रेखाएं हैं,
और इनको जो ये रेड वाली लाइन है ये काट रही है, तो दो समांतर रेखाओं को अगर कोई तिर्यक रेखा काटती है तो इसका ये वाला कोण देखो ग्रीन वाला, ये और ये कोण आपस में बराबर होंगे, क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण है, ये कोण और ये वाला कोण। तो देखो ऊपर वाले कोण को तो आप पहले ही लिख चुके हो, तो आप यहां लिखोगे कि कोण आर पी सी का जो मान है वो कोण एफ सी पी के बराबर है। ये देखिए वापस मैं बता रहा हूं आपको, ये तो आ गया एफ, ये आ गया सी और ये आ गया पी, ठीक है, इसके बराबर है समीकरण नंबर दो। क्यों बराबर है? आप यहां लिखोगे क्योंकि ये क्या है, यहां पर एकांतर कोण है। अब आपको देखिए कि भाई यहां पर आर पी सी का मान एफ पी सी के बराबर, आर पी सी का मान एफ सी पी के बराबर, तो ये मान दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो आप यहां लिखोगे समीकरण एक व दो से, तो समीकरण एक और दो से देखिए मान आ जाएगा एफ पी सी का जो मान है वो कोण एफ सी के बराबर है, एफ सी पी के बराबर। अब इसका मतलब ये होता है कि यानी इस त्रिभुज का जो ये कोण है, अगर ये कोण आपस में बराबर है तो फिर इस त्रिभुज की भुजाओं के मान भी बराबर होंगे। तो ये देखिए मैं त्रिभुज आपको अलग से दिखा रहा हूं, एक तो आ गया सी वाला पॉइंट, एक था एफ वाला पॉइंट और एक यहां था पी वाला पॉइंट, ठीक है। ये डायग्राम देखो एक बार मैं आपको बाहर बना के दिखा रहा हूं। तो इसमें देखिए ये वाला कोण जो है परावर्तन के नियम का ये था जो एकांतर का इससे आपने इक्वल किया था। तो अगर किसी त्रिभुज का ये कोण और ये कोण बराबर है तो उसकी इन दोनों भुजाओं का मान भी आपस में बराबर होगा। तो आप यहां लिखोगे कि फिर भुजा सी एफ का जो मान है वो एफ पी के क्या है, बराबर है, ओके। दूसरा आपको देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो ये द्वारक आपने लिया है वो कैसा है, छोटा है। तो छोटे द्वारक का अगर अवतल दर्पण होता तो आप ये मान सकते हो कि P बिंदु और ये O बिंदु ये दोनों क्या है, एकदम निकट है। तो आप देखो यहां कंडीशन लिखोगे कि यदि P बिंदु O बिंदु के निकट हो, निकट हो, तो देखो निकट होने का मतलब ये है, देखो मैं वापस आपको यहाँ इस अलग चित्र में बता देता हूँ कि अगर मान लो ये ओ बिंदु है, अब आपको यहाँ तो देखो कुछ दूरी दिखाई दे रही होगी, लेकिन अगर दोनों को आप पास पास में मान लोगे तो होगा क्या कि जितना मान एफ पी का आएगा उतना ही मान एफ ओ का आएगा, क्योंकि दोनों बिंदुओं को आपने पास माना है। तो यहाँ पर आप लिखोगे अगर ये पी बिंदु ओ बिंदु के एकदम निकट है तो एफ पी का जो मान है वो एफ ओ के बराबर है, ठीक है। फिर आप देखिए पूरे पॉइंट को, ये आपका मुख्य पॉइंट सोल्व हो चुका है। तो मैं वापस देखो आपको एक लाइन दिखाता हूँ इस डायग्राम में कि सी से लेकर एफ तक का मान और एफ से लेकर ओ तक का मान आपको दिखाई दे रहा होगा। तो मैं सी से लेकर ओ तक का जो मान है उसे डायरेक्टली लिख दूं सी ओ, तो आप सी से लेकर ओ तक के मान को दो टुकड़ों में भी लिख सकते हो, सी एफ प्लस एफ ओ, सी एफ प्लस एफ ओ। अब मैंने ऊपर आपको पहले बता दिया था कि सी से लेकर ओ तक का मान यहाँ वक्रता त्रिज्या आर है, सी से लेकर एफ तक का जो मान है वो देखो आपके सामने लिखा हुआ है कि सी एफ का मान एफ पी के बराबर मानना है, तो ये एफ पी लिख दिया मैंने, एफ ओ अपनी जगह है। फिर लिखा हुआ है एफ पी का मान भी एफ ओ के बराबर है, तो जो ये एफ पी लिखा हुआ उसकी जगह भी आप लिखोगे एफ, ओके, वो ये पहले से लिखा हुआ है। तो आप खुद देखो एफ ओ का मतलब होता है फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी, तो फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को आप बोलते हो फोकस दूरी, एफ एफ। तो आपको यही बात सिद्ध करनी थी कि आर का जो मान है वो एफ प्लस एफ टू एफ के बराबर होता है। ये बात आपका ये जो क्वेश्चन है ये पूछना चाह रहा है, आपने इस डायग्राम के द्वारा इस पॉइंट को सिद्ध कर दिया है, ठीक है। तो देखो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकता है आपके हो, लेकिन एक बार दो बार इसे आप वापस देखोगे तो थोड़ी सी क्लियरेंस हो जाएगी, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत हो आप पूछ सकते हो। आगे का एक पॉइंट देखो और है अपने,
ये भी आंकिक प्रश्नों में अपने काम में आएगा, कार्तीय चिन्ह परिपाटी। तो इससे मतलब देखो ये होता है कि आप अपने दैनिक जीवन में जो प्रोसीजर काम में लेते हो वो कुछ अलग होती है, और यहाँ जो मापन की प्रक्रिया में काम में लोगे वो कुछ अलग है। तो देखो चिन्ह परिपाटी से मतलब ये है कि कोई वस्तु दर्पण से कितनी दूरी पर है, लेंस से कितनी दूरी पर है, तो उनका जो मापन है वो आप कैसे करोगे। तो देखो इसमें सबसे पहले पॉइंट आपको याद रखना है कि जब भी आप मापन करना चाहोगे तो पहले मापन का पहला स्टार्टिंग वाला पॉइंट है वो आपको ध्रुव ही लेना है। यानी सबसे पहले आपको पॉइंट माइंड में रखना है कि सभी दूरियां, जो भी दूरियां हैं, तो सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। इसका मतलब ये है कि जैसे दैनिक जीवन में किसी कमरे की लंबाई आपको मापने के लिए कहा जाए, तो आप एक फीते की सहायता से जब उसे मापोगे तो मापन कहीं से भी माप लो, उसका जैसे 20 फीट आ रहा है। लेकिन यहाँ ये बात फिक्स कर दी गई है कि आपको फीते का पहला पॉइंट है वो ध्रुव पर ही रखना है, ठीक है। फिर यहाँ देखिए, जैसे डायग्राम के अनुसार ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये यहाँ वस्तु है मान लो, ठीक है, और वस्तु से जो प्रकाश है वो इस तरीके से आगे की तरफ चल रहा है। तो यहां अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको वस्तु का मापन करना है कि दर्पण से वस्तु कितनी दूरी पर है। तो देखो आप अपने दैनिक जीवन के अनुसार मापन इधर से भी कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हो, लेकिन यहां दे दिया आपको कि मापन आपको ध्रुव से ही लेना है। तो देखो भाई ध्रुव से मापन करने के लिए आप चलोगे देखो इस डायरेक्शन में पीछे की तरफ, और वस्तु से प्रकाश चल रहा है देखो आपके सामने आगे की तरफ, ठीक है, समझ गए बात। ये मापन हुआ पीछे की तरफ, आपका प्रकाश ये चला आगे की तरफ। तो यहाँ मुख्य पॉइंट ये है कि अगर आपके द्वारा किया गया मापन प्रकाश की दिशा के विपरीत है तो आप जो मान है वो माइनस में लिखोगे। यानी दूरी आई 40, लेकिन आप 40 में लिखकर क्या लिखोगे, माइनस के 40, ठीक है। लेकिन मान लो उस वस्तु का प्रतिबिंब बन गया आपका, देखो इस तरफ ये मैं लिख रहा हूं प्रतिबिंब, मान लो यहां बन गया, और इसकी दूरी का मापन करने के लिए कहा जाए तो आप देखो ध्रुव से ही मापन करोगे, इस दिशा में चलोगे। तो फिर आपको देखना, देखो प्रकाश भी आगे चला और ये मापन भी आगे की तरफ चला, यानी दोनों डायरेक्शन देखो सेम है। तो सेम होते ही अगर सपोज करो यहां भी मान 40 ही आता हो तो वो 40 आपको रखना है प्लस में, ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। अगर आपतित प्रकाश की दिशा में, यानी प्रकाश की दिशा में अगर मापन होता है तो वो मापन हमेशा किसका होगा भाई, प्लस का, और अगर विपरीत दिशा में होता है तो वो मापन किसमें होगा, माइनस में। तो ये जैसे दो ही पॉइंट है, एक बार आप अच्छी तरह एक बार इनको याद कर लो, ठीक है। अब इसे अच्छी तरह आप देखो इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे अपने दो प्रकार के दर्पण पड़े हैं। देखो अगर बाहर की सतह पर मैं पॉलिश कर देता हूं तो ये तो बन गया अपना अवतल दर्पण, अगर अंदर वाली सतह पर पॉलिश कर देता हूं तो ये बन गया उत्तल दर्पण, ठीक है। अब ये मान लो मुख्य अक्ष मैंने दोनों के लिए खींच दी, मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश की किरण गई और टकराने के बाद में ये फोकस बिंदु से चली गई, और ये मान लो ध्रुव है। यहां भी देखो प्रकाश की किरण आई, टकराने के बाद में वापस इसी माध्यम में लौट गई। पीछे की तरफ आपने बढ़ाकर देखा तो आपको ऐसा प्रतीत हुआ कि ये यहां से गुजर रही है, ठीक है। अब आप खुद देखो यहां दिमाग लगाओगे, जो प्रोसीजर है आपकी, ठीक है, तो यहां आप देखिए कि ये फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी है एफ, प्रकाश की किरण चल रही है आगे की तरफ, आप ध्रुव से मापन कर रहे हो वापस पीछे की तरफ, ठीक है। तो यहां देखिए मापन अगर प्रकाश की दिशा के विपरीत है, इसीलिए कहा जाता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा माइनस में होती है। क्यों? क्योंकि तो देखो यहां फोकस दूरी का मापन प्रकाश की दिशा के विपरीत है। फिर आप देखो यहां देख सकते हो, ये देखिए प्रकाशी केंद्र दर्पण लेंस के लिए, यहां ध्रुव आपको मानना है, पी भी मान सकते हो, ओ भी मान सकते हो, ये आ गया फोकस बिंदु।
सभी दूरियां ध्रुव से मापी जानी है, तो देखो आप मापन इधर चल के करोगे, प्रकाश भी आगे चल रहा है, आपके द्वारा किया गया मापन भी आगे की तरफ है, दोनों सेम दिशा है, इसलिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी आप किस में लिखोगे? प्लस में। मान लो ये दूरी 20 आती है तो आपको 20 किस में लिखने हैं? प्लस में। अवतल दर्पण, अब आप रटी लो कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा माइनस में ही होती है, कहीं भी आपको कहा जाए कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 है तो आपको वक्रता त्रिज्या किस में लिखनी है? माइनस में। फोकस दूरी आदि है, पता चली गया आपको डेरिवेशन के द्वारा, तो आपको मान यहाँ माइनस में लिखना है, और उत्तल दर्पण के लिए मान आपको हमेशा प्लस में लिखना है, ठीक है। अब ये प्लस माइनस बना कैसे, वो प्रोसीजर आपने देख ली, लेकिन अब आपको ये परमानेंट क्या करना है याद रखना है, ठीक है, ओके।